पीछे मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने कोलगेट के पकोड़े आपको बनाकर दिखाए थे। एक उबलते हुए हमने ऑयल लिया, उस ऑयल के अंदर हमने डाला टूथपेस्ट एंड कोलगेट और फिर देखा कि उसका क्या हाल हुआ। तो जब वो वीडियो हमने कंप्लीट की, उसके बाद दोस्तों जो उस कढ़ाई के अंदर ऑयल बचा, तो उस ऑयल को देखकर मेरे दिमाग में एक और शैतानी आइडिया आया। मैंने सोचा कि इस उबलते हुए ऑयल के अंदर अगर हम एक साथ काफ़ी सारा पानी डाल दें तो ऑयल का क्या हाल होगा। हम जैसे कि जानते हैं कि उबलते हुए ऑयल के अंदर अगर थोड़े से पानी के छींटे देते हैं तो किस प्रकार से दोस्तों उसमें से आवाज़ें आती है, यानी कि गर्म ऑयल के साथ ठंडे पानी का कोई भी मैचिंग नहीं है। बट आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं बॉयल हुए ऑयल के अंदर एक साथ हैं बहुत सारा ठंडा पानी डालने वाले हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वही सेटअप पीछे वाला जिसमें हमने कोलगेट के पकौड़े बनाए थे यार। तो गाइज ये रही हमारी वही कढ़ाई जिसके अंदर हमने उबलते हुए ऑयल के अंदर डाला था टूथपेस्ट। ये रहा दोस्तों हमारा वही टूथपेस्ट, इसे इसके अंदर डालकर हमने बनाए थे पकोड़े। और ये ऑयल दोस्तों काफ़ी सारा गर्म है। अभी अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास थोड़ा सा पानी है और ये देखिए एक बूंद पानी किसमें गई तो ये ऑयल किस प्रकार से कर रहा है। बट आज मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ ये काफ़ी सारा पानी। आप देखिए कि कितना सारा पानी मेरे पास है। अगर इतने पानी को दोस्तों एक साथ हम इसके अंदर डालेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज यार आज इस वीडियो के अंदर मैं इसमें डालने वाला हूँ एक साथ पानी। तो प्लीज़ यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी आप कर दीजिएगा यार। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ इस यार रेड बटन को, अगर आपका यूट्यूब अपडेट है तो ये बटन आपके पास ब्लैक शो हो रहा है, और अगर आपका यूट्यूब अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आपके पास ये बटन दोस्तों रेड कलर में शो हो रहा है। तो प्लीज़ यार इसे एक बार प्रेस जरूर से कर दीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे से आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, और इस उबलते हुए ऑयल के अंदर मैं डालता हूँ पानी और देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों सेफ्टी के लिए मैं सबसे पहले हमारे इस गैस को करूँगा ऑफ ताकि किसी प्रकार कोई हादसा ना हो, और मैं यहाँ से हो जाऊँगा दूर, और दूर होकर इसमें पानी डालेंगे एक साथ कि क्या होता है यार। तो फ्रेंड्स यार ऑयल के अंदर पानी डालना बहुत ज़्यादा खतरे का काम है गाइज। ऑयल में जैसे ही पानी डालते हैं तो ऑयल पता नहीं क्या कुछ करेगा। हल्का सा पानी डालने पर इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्शन करता है, तो बहुत ज़्यादा पानी डालने पर क्या होगा इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए हम दोस्तों सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए ये मैंने एक लिया है लकड़ी का डंडा, और आगे दोस्तों इसके एक बर्तन को मैंने बांध लिया है। नीचे हमारा ऑयल पड़ा हुआ है दोस्तों, और ऑयल अभी भी उसमें जैसे पानी के छांटे पड़ रहे हैं तो वो अपना काम कर रहा है यार। तो गाइस इसलिए मैंने इस लकड़ी के साथ एक बर्तन बांधा है ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा दूर से रहूँगा, और हमारे कैमरामैन को भी इसे काफ़ी दूर रखूँगा ताकि हमें कोई भी किसी प्रकार का नुकसान न हो। आप ऐसा कुछ भी अपने घर पर ट्राई न कीजिएगा, क्योंकि उबलते हुए ऑयल के अंदर पानी डालना दोस्तों बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। मैं पूरा पूरा सेफ्टी यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा ट्राई न करें, बस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल कैमरा नज़दीक करके ताकि आपको दिखे कि जैसे हम पानी डालेंगे तो हमारा ऑयल जो दोस्तों क्या रिएक्शन करता है यार। तो फ्रेंड्स हमने हमारे सिलेंडर को ऑफ कर दिया, हम इससे काफ़ी दूर हो गए हैं और हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म है, और ये जग के अंदर आप देख रहे हो इसमें है पानी। तो मैं दूर से इसमें डाल रहा हूँ गाइस 1, 2 एंड 3। तो गाइस यार हमने जो अभी इसके अंदर पानी डाला, तो पानी डालने से जो ऑयल में रिएक्शन होना था वो दोस्तों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये रहा कि हमारा जो ऑयल था वो बॉयल तो काफ़ी ज़्यादा था, बट उसकी मात्रा जो है वो थी हाफ लीटर। आधा लीटर हमारा ऑयल था और उसमें पानी दोस्तों ने डाल दिया समथिंग 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी डालने की वजह से हमारा जो ऑयल था वो एकदम से ठंडा हो गया। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और उसमें पानी डाला जाए, 1 लीटर ऑयल हो कम से कम 5 से 10 लीटर, फिर अगर डाला जाए तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से उफान इसमें बहुत ज़्यादा आता। तो यही दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो गाइस यार आशा करूंगा कि मेरे द्वारा किया गया आज का एक्सपेरिमेंट आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, बट आप ऐसा कुछ भी अपने घर पर ट्राई न कीजिए। मैं एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी वीडियो देखिए और वीडियो का आनंद लीजिए, बट ऐसा घर पर ट्राई करने की कोशिश न कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।